अस्सलाम वालेकुम uh, आज हम पढ़ेंगे अप्लाइंग दोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव जॉन जेमेस के बुक सोशोलॉजी सिक्सटी एडिशन से लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि uh, हमने पिछले लेक्चर में ग्लोबल प्रस्पेक्टिव द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्लोबल पर्सपेक्टिव इसके बारे में पढ़ा था फिर जो कैटेगराइजेशन इसके मुताबिक डिफरेंट कंट्रीज़ के बारे में हुई है जो कि हाई इनकम कंट्रीज़ हैं मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं लो इनकम कंट्रीज हैं ठीक है, है, है और फिर ग्लोबल स्ट्रेटिफिकेशन के हवाले से कुछ रीज़न्स जो बताए गए हैं कि अगर हम ग्लोबली स्ट्रेटिफिकेशन करते हैं तो किन रीज़न्स uh, की बुनियाद पर ठीक है uh, हम ख़ुद को एक दूसरे से डिफ्रेंश करते हैं और इम्पोर्टेंस का मैं बताता चलूँ कि इम्पोर्टेंस इसका यह है कि अगर हमें ग्लोबल uh, परस्पेक्टिव के इम्पोर्टेंस के बारे में पता हो तो एज अ नेशन एज अ सोसाइटी हम uh, बखूबी अपने बारे में जानते होंगे अच्छा आते हैं आज के लेक्चर अप्लाइंग द सोसोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के बारे में यानी हमने सोसोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के बारे में इसके कुछ प्रिंसिपल्स uh, uh, के बारे में हमने पढ़ा था uh, तो आज uh, बताएंगे कि आप uh, इसको किस तरह अप्लाई करेंगे ठीक है uh, बढ़ते हैं आइडेंटिफाई द एडवांटेजेस ऑफ ऑफ़ दोसोलॉजिकल थिंकिंग फॉर डिवलपिंग पब्लिक पॉलिसी फॉर इंक्रेजिंग पर्सनल ग्रोथ एंड फॉर एडवांसिंग अ अरियर यानी यहाँ पर तीन बातें वो काबिल है कि सोशोलॉजिकल थिंकिंग वो क्या करता है वो पब्लिक पॉलिसी पब्लिक uh, पॉलिसी के बारे में हमें बताता है इससे हम क्या करेंगे कि पब्लिक uh, के बारे में जो पॉलिसी बनाई जाती है ये सोशोलॉजिकल थिंकिंग हमें वहाँ पर पॉलिसीज़ शेप करने में मदद uh, देगी कि सोसाइटी किस तरह है uh, अपने सोशोलॉजिकल इमेजिनेशंस के थ्रू से हम ये एनालिसिस करेंगे अपने सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स के थ्रू ठीक है फॉर इंक्रेजिंग पर्सनल ग्रोथ यानी पर्सनली भी सोसोलॉजी एक इंडिविजुअल को एक वर्सटाइल पर्सनैलिटी बनाता है एंड फॉर एडवांसिंग इन अ करियर ठीक है और कैरियर में आगे बढ़ने के लिए भी सोसोलॉजिकल परस्पेक्टिव फील्ड वर्क में आ, ये काफ़ी हेल्पफुल है ठीक है और हमारा मदद करती है अप्लाइंग द सोसोलॉजिकल पर्सपेक्टिव इज़ यूज़फुल इन मैनी वेज़ फर्स्ट सोशोलॉजी इज़ एट वर्क गाइडिंग मैनी ऑफ द लॉज एंड पॉलिसीज़ दैट शेप आवर लाइफ्स यानी काफ़ी सारे आस्पेक्ट्स में ये हमारे लिए हेल्पफुल है और यूज़फुल है लेकिन सोशोलॉजी uh, का अगर हम किसी काम के हवाले से uh, सोचें या उसके बारे में बात करें तो लॉज और पॉलिसीज़ वो हमारी मदद करते हैं यानी किस तरह का, कवानी या पॉलिसीज़ हमारे लाइफ को अफ़ेक्ट करती हैं इन्फ्लुएंस करती है और हमारे लिए वर्क इन्वायरमेंट को शेप करती है सेकंड ऑन एन इंडिविजुअल लेवल मेकिंग यूज़ ऑफ़ द सोसोलॉजिकल पर्सपेक्टिव लीड्स टू इम्पोर्टेंट पर्सनल ग्रोथ एंड एक्सपेंडेड अवेयरनेस यानी पर्सनली भी हमारा हमारे ग्रोथ में ये हेल्प करता है और हमें अवेयरनेस देती है सोसाइटी के बारे में यानी हाउ टू लिव थर्डली ये तो सेकंड हो गया स्टडी सोशोलॉजी इज़ एक्सेलेंट प्रिपरेशन फॉर द वर्ल्ड ऑफ वर्क यानी हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में भी आ, हम हमें अगर न, आ, हमारे वर्क इन्वामेंट में भी अगर कोई इशू आ जाए या न, आगे बढ़ना हो तो उसके बारे में हमें सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव हेल्प करती है अच्छा आते हैं अब सोशोलॉजी एंड पब्लिक पॉलिसी के ऊपर सोशोलॉजिस्ट हेल्प शेप पब्लिक पॉलिसी द लॉ laws and regulations that guide how people in communities live and work in countless ways from racial disaggregation disaggregation and school busing to laws regulating divorce yani <laughs> hame community mein hum kis tarah reh rahe hain uh, या कम्युनिटी के रहने का पैटर्न क्या है उसमें वर्क आ, का क्या पैटर्न है और इसके अलावा अगर रेशली Uh, कुछ इश्यूज़ है uh, कुछ सोशल इश्यूज़ हैं इवन के स्कूल्स uh, के रिलेटेड एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के रिलेटेड हो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस के रिलेटेड हो कल्चरल uh, इश्यूज़ हो सोशली जितने भी फेनोमेनास uh, uh, है उसके पैटर्न के बारे में उसके आस्पेक्ट्स डायनेमिक्स और डायमेंशनस फंक्शंस डिसफंक्शंस आ, इसमें कॉन्फ्लिक्ट्स और आ, सब कुछ इसमें आता है ठीक है हती के डाइवोर्स भी यहाँ पर ज़िक्र है तो इशारा फैमिली इंस्टीट्यूशन की तरफ है अच्छा फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आगे इन्होंने एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है इन हर स्टडी ऑफ हाउ डाइवोर्स एफेक्ट्स पीपल्स इनकम यानी डवोर्स किस तरह पीपल लोगों के इनकम को आमदनी को इफेक्ट करता है दसोलजस्ट लेनोरी बैट्समैन डिस्कवर्ड दैट वेमेन हु लीव मैरिजेस टिपिकली एक्सपीरियंस अ ड्रामेटिक लॉस ऑफ इनकम यानी इस स्टडी के मुताबिक जो 1985 और 96 में हुई थी इसके आ, मदद से आ, ये डिस्कवर किया गया कि किस तरह डाइवोर्स जो है वो इनकम को रिड्यूस करता है और उसमें लोग लॉस करते हैं ठीक है तो ये किस स्टडी के थ्रू ये सोशोलॉजिकल स्टडीज या रिसर्च या पर्सपेक्टिव्स के थ्रू अच्छा रिकगनाइजिंग दिस फैक्ट मैनी स्टेट्स पास्ट लॉज डेट हैव इंक्रीज वेमेंस क्लेम्स टू मैरिटल टू मेरिटल प्रॉपर्टी एंड इन्फोर्सड फर्स ऑब्लिगे टू प्रोवाइड सपोर्ट फॉर वेमेन रेजिंग चिल्ड्रन अच्छा अगर आ, जिस तरह इससे पहले जिक्र किया गया कि इसका ताल्लक़ स्कूल एब्यूजिंग चिल्ड्रन और इस तरह के इशूज़ से लेकर डाइवर्स तक भी है तो यहाँ पर एक ओपन एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है डाइवोर्स का कि इस वजह से इन स्टडीज़ की वजह से फिर मुख्तलफ़ानी और पॉलिसीज सामने आ गई जो आ, ये हेल्प कर गई लोगों की कि अगर कोई मिसाल के तौर पर आ, फ, फैमिली ब्रेक होती है और डाइवोर्स होती है तो इसके नतीजे में चिल्ड्रन जो सफ़र करते हैं या मैरिटल प्रॉपर्टी की जो लॉस होती है या कोई देने से इनकार करता है तो उस पॉली उन पॉलिसीज़ उन रिसर्च की वजह से वो पॉलिसीज़ और लॉज सामने आ गई और उन लॉज और पॉलिसीज़ की वजह से फादर्स वो रिस्पॉन्सिबल बन गए किस चीज़ के लिए कि उन वेमेन को सपोर्ट करें और चिल्ड्रेन को सपोर्ट करें ठीक है तो इस तरह इस लिहाज से सोशलॉजिकल पर्सपेक्टिव और आ, सोशल रिसर्च ये हेल्प करता है आ, हमारे सोसाइटी uh, में अच्छा नेक्स्ट नेक्स्ट uh, अब क्या ताल्लुक है सोशोलॉजिकल परसपेक्टिव का तो वो है सोशोलॉजी एंड पर्सनल ग्रोथ यानी अगर किसी बंदे ने सोशोलॉजी पढ़ी तो पर्सनली वो किस तरह ग्रो करेगा या पर्सनल ग्रोथ uh, से इसका क्या ताल्लुक है तो बाई अप्लाइंग सोशोलॉजिकल परसपेक्टिव यूर लाइकली बिकम मोर एक्टि एंड अवेयर टू थिंक मोर क्रिटिकली इन आवर डेली लाइफ्स ठीक है यानी इससे हमें सोशल लेंजेज मिलते हैं और उन लेंजेज उन माइक्रोस्कोप्स उन ग्लास के थ्रू हम क्रिटिकली तनकीदी नगह से चीज़ों को देखते हैं तनकीदी क्रिटिकल क्रिटिकली देखने का मतलब एनालिसिस का मतलब तजिया करने का मतलब ये नहीं कि हम अपने बारे में में खामियों को ढूंढें हम अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस दोनों को फाइंड आउट करते हैं इन चीज़ों के थ्रू तो यूजिंग सोसोलॉजी बेनिफिट्स अस इन फोरवेस अब ये आगे बताते हैं कि किस तरह ये हमें बेनिफिट करता है तो चार एस्पेक्ट्स uh, में ये हमारा हेल्प करता है द सोसोलॉजिकल हेल्प्स अस असेस द ट्रूथ ऑफ कॉमन सेंस यानी वी आल टेक मैनी थिंग फॉर ग्रांटेड बट डज़ नाट मेक दैम ट्रू वन गुड एग्जाम्पल इज़ द आइडिया डेट वी आर फ्री इंडिविजुल्स हु आर पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर ओन लाइफ यानी कामन सेंस इससे चैलेंज होता है ठीक है हम डेली बेसिस पर अपने कामन सेंस के बेस पर कुछ डिसिजन्स लेते हैं कुछ हमारा बिहेवियोरल पैटर्न डेवलप होता है तो अगर हम पर्सपेक्टिव के थ्रू हम रिच है सोसोलॉजिकली तो फिर हम उन कॉमन सेंस डिस्कशंस और परसेप्शंस और थिंकिंग पैटर्न्स को थोड़ा सोशोलॉजिकली और क्रिटिकली असेस करते हैं स्टडी करते हैं और एक एनालिसिस करते हैं ठीक है कि किस तरह किस हद तक ये बात ट्रू है या फॉल्स है या इसमें क्या स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस है तो इसका मतलब एग्जाम्पल यहाँ पर आ, अगर इन्होंने लिया हुआ है कि एक आइडिया ये भी है कि हम फ्री इंडिविजुअल्स हैं और हम ख़ुद अपने लाइफ्स का आ, के रिस्पॉन्सबल है तो एक आम परसेप्शन तो ये है इफ़ वी थिंक वी डिसाइड आवर ओन फैट वी मे बिकम वी मे बी क्विक टू फ्रेज वेरी सक्सेसफुल पीपल एज सुपीरियर And consider, uh, others with कंसिडर अदर्स uh, fewer achievements personally deficient। यानी yani, अगर हमारा यही सोच है कि हम अपने ज़िंदगी का ज़िम्मेदार है अपने कामयाब और नाकाम होने की हद हाँ तक तो आम आम सी बात है कि लोग जो सक्सेसफुल लोग होते हैं उनको अप्रिशिएट करेंगे उन उनको दाद देंगे उनको सुपीरियर कंसिडर करेंगे और जो लोग फेल है आ, तो ये फेलर उन फ़ेल्ड नाकाम लोगों की एक आ, अपनी झाती खामी या कोई कमी आ, उसको तस्वर किया जाएगा यानी उस उस कामयाबी का आ, आ, ब्लेम जो है वो आ, या लेबल जो है वो उस कामयाब बंदे की अपनी पर्सनालिटी के करेक्टरिस्टिक्स या अपनी ही कोई खसूसियत ख़ूबी के साथ अटैच किया किया जाएगा और आ, इसके कंट्रास्ट इसके बनस्बत अगर एक नाकाम बंदा है तो उस नाकामी को उसके पर्सनली एक झा बुराई के साथ अटैच और लिंक किया जाएगा तो uh, अब सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव बाय कंट्रास्ट इन इनकरेजिंग अस टू एस वेदर सच कामन बिलीव्स आर एक्चुअली ट्रू एंड टू एक्सटेंड दैट दे आर नाट वाई दे आर सो वाइडली हेल्ड अब सोशोलॉजिकल परस्पेक्टिव uh, हमें हेल्प uh, करता है उन कामन बिलीव्स और अकायद की uh, के बारे में कि वो किस हद तक सही है या किस हद तक ग़लत है और या आम तौर पर क्यों इतना इसको सही माना जाता है तो यहाँ पर थिंकिंग अबाउट डाइवर्सिटी बॉक्स टेक्स अ लुक एट लो वेज जॉब्स एंड एक्सप्लेन्स हाउ द सोसोलॉजिकल परस्पेक्ट समाइम्स मेक अस री थिंक कॉमन सेंस आइडियाज अबाउट हाउ पीपल हाउ आइडियाज अबाउट अदर पीपल एंड देयर वर्ल्ड अब ये थिंकिंग अबाउट डाइवर्सिटी बॉक्स है इनशाला नेक्स्ट uh, वीडियो में अगले वीडियो में इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे ठीक है um, तो इसको इतना ही समझें कि लोग जो कम कमाते हैं या जो अनए्लॉय अनएम्प्लॉयड लोग होते हैं वो उस स्टेटस को अपने ज़ात तक ये तसवर करते हैं कि ये हम में कोई ख़ामी और कमी है और लेकिन इसके बन पनिस्प, इसके बनस्बत अगर हम देखें और सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के थ्रू देखें तो हमें ये हेल्प करती है कि उन कामन बिलीव्स के बारे में हम दोबारा से सोचें रीथिंकिंग करें ठीक है डी करें रीकंस्ट्रक्शन करें और कंस्ट्रक्शन करें, ठीक है तो इस इस लिहाज से इन आ, ये कंस्ट्रक्शन और डी अप्रोच के थ्रू ये हमारा काफ़ी हेल्प करता है Uh, जब हम अप्लाइंस पर्सपेक्टिव की बात करते हैं अच्छा नंबर टू द सोसोलॉजिकलपेक्टिव हेल्प्स अस सी द अपॉर्चुनिटीज एंड कंस्ट्रेंट्स इन आवर लाइफ सिंपल सी बात है क्या अपॉर्चुनिटीज़ है हमारे लाइफ में और क्या कंस्ट्रेंट्स हैं हमारे एवरीडे लाइफ में सोशोलॉजिकल uh, पर्सपेक्टिव ये हमारा ये हेल्प करती है अब इस डिस्कशन के ऊपर लोग जो के बिगिनर्स हैं वो यही सोच रहे होंगे कि ये किस तरह हेल्प करता है सोसोलॉजिकल पर्सपेक्टिव यानी हमने तो प्रिंसिपल्स के बारे में इसके प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ा हमने तो इसके डिफिनीशन के बारे में भी पढ़ा तो फिर हमारा वो अप्रोच तो डिवेलप होना चाहिए तो ये इस तरह नहीं है इसके बाद हम सोसोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स जब हम पढ़ेंगे कि सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव अब है क्या इसके इसमें कितने टप्स है और क्या क्या सोशोलॉजिकल है कौन कौन से हैं ठीक है ठीके? तो उसके कुछ अजम्पन्स होते हैं कुछ आ, उसमें वेरिएबल्स होते हैं उन उन चीज़ों को जब हम पढ़ेंगे आ, अपने डेली लाइफ आ, के हवाले से और अप्लाई करेंगे तो हमें ये चीज़ें अंडरस्टैंड आ, हो जाएगी और और इस इस ये जो एम्स और पर्पजेज सोशोलॉजिकल के बता रहे हैं ये पूरे हो जाएंगे ठीक है और फिर वाकई आप लोग आ, ये मानेंगे कि हाँ बिल्कुल ये अगर आ, अगर ये चीज़ें हम अब आ, अपने पर्सनल लाइफ या पर्सनल केरियर और ग्रोथ के हवाले से भी अप्लाई करें तो a picture or uh, a scientific explanation. So sociological thinking uh, leads us to see that in the game of life society deals uh, the cards, we have a saying how to play the hand however and the more we understand the game, the better uh, players uh, the better players we become. सोसोलॉजी हब्स अस लर्न मोर अबाउट द वर्ल्ड सो दैट वी कैन परस्यू अर गोल्स मोर इफेक्टिवली सिम्पल सी बात है कि uh, अगर हम uh, यानी सोसाइटी जो है uh, इस लाइफ इज लाइक अ गेम ठीक है और इसमें कुछ परस्पेक्टिवस हैं जो स्पेशली लाइफ सोशल लाइफ के हवाले से है और हमारे लाइफ के हर पैटर्न इंटरेक्शन सोशल प्रोसेस सोशल इंटरेक्शन और कोपरेशन एसिमिलेशन कल्चर और कल्चरल प्रोसेस ग्लोबलाइजेशन मॉडर्नाइजेशन ये सब चीज़ें हम इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे कि हाँ वाकई ये हमें सोशल लाइफ के बारे में बताता है और हमें हेल्प करता है तो इन चीज़ों के थ्रू अगर हम किसी ख़ास कल्चर में रहते हैं तो उस कल्चर के मुताबिक हम अपना गोल सेट करते हैं और आ, ट्रेंड्स और कल्चरल वैल्यूज़ को देख के हम अपने गोल्स शेप करके आ, आगे बढ़ते हैं नंबर थ्री द सोशोलॉजिकल प्रस्पेक्टिव एम्पावर्स अस टू बी एक्टिव पार्टिसिपेंट्स इन आवर सोसाइटी यानी सोशोलॉजल पर्सपेक्टिव हमें एमपावर करता है हमें इस काबिल बनाता है कि हम सोसाइटी के एक्टिव पार्टिसिपेंट एक फाल बंदे और अफराद बन जाएं ठीक है वो किस तरह द मोर वी अंडरस्टैंड हा सोसाइटी वर्कस यानी अगर हमें ये पता आ, लग जाए कि सोसाइटी किस तरह काम करती है सोसाइटी है क्या और इंडिविजुअल्स इसमें क्या है इसमें मुख्तलिफ़ इंस्टीट्यूशनस है और इसमें जो जो भी हो रहा होता है एक ख़ास कल्चरल एक ख़ास पैटर्न के थ्रू होता है और इसके बारे में एक सैंटफिक नॉलेज Uh, मौजूद है जो कि सोशोलॉजी है और uh, ये हमें इन चीज़ों के बारे में बताती है तो हम uh, बिल्कुल लाजमन एक्टिव पार्टिसिपेंट्स बन जाएंगे uh, अपने सोसाइटी के बारे में ठीक है द मोर एक्टिव सिटीजन्स वी बिकम एस सी राइट मेल्स एक्सप्लेन इन द बॉक्स इट इज़ द सोशोलॉजिकल पर्सनल प्रॉब्लम सच इज़ बीग आउट ऑफ वर्क इन टू अर पब्लिक इशू अ लेक ऑफ गुड जॉब्स ठीक है यानी यहाँ पर प्रीवियस लेक्चर्स में हमने ये पढ़ा है कि सीराइट मेल ने जो सोशोलॉजिकल uh, इमेजिनेशन के कुछ प्रिंसिपल्स बताए थे उसमें uh, ये भी था कि हम पर्सनल uh, प्रॉब्लम को पब्लिक इशू में कन्वर्ट uh, करते हैं ट्रांसफ़र करते हैं ठीक है अपने डिस्कशंस अपने लेंजेज सोशल लेंजेज और पर्सपेक्टिव्स के थ्रू क्योंकि सोसाइटी हमें शेप करती है और हम एक ख़ास स्ट्रक्चर और कल्चर में रहते हैं आ, एक ख़ास पैटर्न होता है ख़ास वे ऑफ लाइफ एक तर्ज ज़िंदगी होती है एक आइडियोलॉजी होती है आ, तो इन चीज़ों के थ्रू हम इफ़ेक्ट हो रहे होते हैं तो हमारा जो हमारी जो नाकामी होती है वो हमारी ीति नहीं होती वो कॉन्टैक्सचुअल होती है ठीक है कुछ इसके पीछे कुछ सोशल फोर्सेस सोशल फैक्ट्स और आ, कुछ कल्चरल प्रोसेसेस और कल्चरल पैटर्न्स और सोसाइटी इसके पीछे होती है ठीक है एज वी बिकम एज वी कम टू सी हाउ सोसाइटी इफेक्ट्स अस वी मे सपोर्ट सोसाइटी एज इट इज और वी मे सेट आउट विद अदर्स टू चेंज इट यानी अगर हमें यह पता लग जाए कि हमारी सोसाइटी किस तरह प्रोसेस करती है और हमारा कल्चर किस तरह है तो हम उसको उसी तरह से फॉलो करेंगे लेकिन अगर उसमें कुछ खामियां हो कुछ चेंज चीज़ों को हम चेंज करना चाहते हैं तो हम कुछ और लोगों के साथ बैठ के कैंपेन चला के प्रोटेस्ट्स करके एक्टिविस्ट बन के डिफरेंट सोर्सेस के थ्रू हम फिर, फिर चेंज लाने की कोशिश करेंगे ठीक अच्छा, है अच्छा नंबर फोर द सोशोलॉजिकल हेल्प्स अस लिव इन अ डाइवर्स वर्ल्ड यानी अगर कॉमन सेंस की बात करें हम तो हम डेली लाइफ में रह रहे हैं और हम सोसाइटी uh, में डिफरेंट ग्रुप्स डिफरेंट सेक्ट्स डिफरेंट बैकग्राउंड से लोग uh, ताल्लुक़ रखते हैं डिफरेंट रिलिजन डिफरेंट पॉलिटिकल आइडियालॉजीज़ तो uh, हमारे लिए एक आम बंदे की हैसियत से उन इस, इस उस इन्वामेंट में रहना काफ़ी मुश्किल बन जाते हैं बन जाता है लेकिन अगर सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव हम ले लें और आ, जिस तरह हम अपने सोसाइटी पर वो अप्लाई करके हम हमारे सामने हमारा एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होता है तो उसी तरह दूसरों के सोसाइटीज़ दूसरों के लाइफ्स को देख के हम फिर उनके लाइफ्स के बारे में अंडरस्टैंडिंग हमारा डेवलप होता है तो यहाँ पर एग्जाम्पल लिएग नॉर्थ अमेरिकन रिप्रजेंट जस्ट फाइव परसेंट ऑफ द वर्ल्ड्स पीपल एंड एज द रिमेनिंग चैप्टर्स ऑफ दिस बुक एक्सप्लेन मेनी ऑफ द अदर 95 फाइव परसेंट लिव वेरी डिफरेंटली देन वी ड्यू यानी नॉर्थ अमेरिकन जो है वो फाइव परसेंट रिप्रजेंट करता है वर्ल्ड्स के पॉपुलेशन को लेकिन इसके बनस्बत अगर देखें तो नाइन्टी फाइव परसेंट वहाँ पर डाइवर्सिटी है ठीक है लोग लोग डिफरेंटली सोचते हैं डिफरेंटली वो आ, बोलते हैं रिलीजन या पॉलिटिक्स या एजुकेशन या, या अपना आ, डेली लाइफ के बारे में उनका आ, जो अप्रोच होता है लाइफ स्टाइल होता है वो काफ़ी डिफरेंट होता है स्टिल लाइक पीपल एवरीवेयर वी टैन टू डिफ़ाइन अवर ओन वे ऑफ लाइफ इज राइट नेचुरल एंड बेटर यानी इसके बावजूद भी आ, लोग ये सोचते हैं उमून ये परसप्शन होता है कि हमारा जो लाइफ स्टाइल है ये सही भी है ये नेचुरल भी है ये नॉर्मल भी है और ये बेस्ट भी है ठीक है द सोशलॉजिकल परस्पेक्टिव इनक्रेज़स अस टू थिंक क्रिटिकली अबाउट द रिलेटिव स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस ऑफ लाइफ इंक्लूडिंग आवर ओन ठीक है यानी अगर हम सोशोलॉजिकल uh, पर को ले लें तो फिर ये उस क्रिटिकल अप्रोच को अप्रिशिएट uh, करता है uh, और फिर उस चीज़ के थ्रू हम रिलेटिवली uh, चीज़ों को स्टडी करते हैं यानी अगर एक प्रैक्टिस होता है किसी सोसाइटी में uh, तो वो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से आ, देखा जाता है रिलेटिव रिले रेलिट, रिलेटिवस्ट अप्रोच से तो फिर उस उस चीज़ के थ्रू हम उस प्रैक्टिस या उस ट्रेंड या उस कल्चर के स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को हम देखते हैं ठीक है और इसी तरह हम अपने लाइफ आ, के बारे में भी मिसाल के तौर पर आउट ऑफ द बॉक्स जो थिंकिंग होती है वो सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स के थ्रू सोशल लेंजेस के थ्रू वो होती है आ, और इस चीज़ के थ्रू हम चीज़ों को सही तरीके से अनालज़ करते हैं और बाइसड अनालिसिस वो नहीं करते हैं एग्ज़ाम्पल इसका हम पर्दा कल्चर लेते हैं कि हमारे लिए पर्दा कल्चर यहाँ पर पाकिस्तान में या इस्लामिक सोसाइटी में आ, ये इम्पोर्टेंट है और ये वैल्यूबल है ठीक है और मोरीज हैं कुछ लोगों के लिए आम तौर पर जनरली हमारा कल्चर ये है तो आ, ये हमारे लिए आ, हम इसको डिफरेंट अप्रोच से डिफरेंट वे से देखते हैं लेकिन किसी और के लिए ये प्रॉब्लम है क्योंकि वो अपने पर्सपेक्टिव से इसको देखता है ठीक है और हम अपने पर्सपेक्टिव से तो आ, हमारा नॉर्मल किसी और के लिए एबनॉर्मल है किसी और का नॉर्मल हमारे लिए एबनॉर्मल है वो वो राइट और रॉन्ग जो है ये सोशली डिफाइंड है सोशली कंस्ट्रक्टेड है पीपल लोग इसको डिफ़ाइन करते हैं कि किस चीज़ को यानी हमारे लिए जो एक्सेप्टेबल होती है वो हमारे लिए राइट right होती है किसी और के कल्चर के लिए वो एक्सेप्टेबल नहीं होती है नॉर्मल नहीं होती है तो उसके लिए वो रॉन्ग बन जाता है तो हम अगर रिलेटिविस्ट अप्रोच फॉलो करें और पर्सपेक्टिव्स uh, के थ्रू सोशल लेंजेज के थ्रू इसको देखें तो फिर हमें सही तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी ये था आज का लाइक लाइक थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इट फर्स्ट चैप्टर है जॉन जमेशनस के बुक सोशोलॉजी सिक्सटीन एडिशन का आगे इनशाला हम कैरियर द सोशोलॉजी एडवांटेज यानी सोशोलॉजी का क्या कैरियर है इसके बारे में Thank you very much. Keep watching, keep supporting us. Uh, like the video, share the video, and subscribe the channel. Thank you very much.